चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं जनरली सेफ्टी। सेफ्टी सेफ्टी एक्चुअली होता क्या है? सेफ्टी का आपको सेफ्टी प्रोफेशनल हो तो बहुत सारा सेफ्टी का डिफिनेशन होता है आपको। आप नहीं, बॉस को वेरी करोगे तो कुछ और ही डिफिनेशन मिलेगा, और सास को करोगे तो कुछ और ही डिफिनेशन मिलेगा, आईओएस को करोगे तो कुछ और डिफिनेशन मिलेगा। आपको आपके पास जो भी आप डिफिनेशन आपको याद है, वही डिफिनेशन सबका मीनिंग एक ही होता है। तो मेरे को जो मैं यूज करता हूँ, मैंने यही लिखा है आपको सेफ्टी के लिए। आपको फ्रीडम फ्रॉम सेफ्टी भी आप लिख सकते हो। तो मैंने जो जो लिखा है आपका, द कंट्रोल ऑफ रिकॉग्निशन हजार्ड टू अटेन एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क। मतलब कि आपको जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वो हैजार्ड के जितना एक्सेप्ट हो सके उस लेवल को आपको रिस्क को कम करना है, कंट्रोल करना, वही एक सेफ्टी है। दूसरा होता है रिस्क। रिस्क का भी बहुत सारा डिफिनेशन होता है, ठीक है? जैसे सोर्स, सिचुएशन, और एक्ट विद द पोटेंशियल फॉर हार्म इन टर्म ऑफ ह्यूमन इंजरी और हेल्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट। तो ये है। और आपका एक्सीडेंट, एक्सीडेंट अभी बहुत सारा डिफिनेशन है। तो आप जो देख सकते हैं, ये अनकंट्रोल अनप्लान्ड इवेंट, मतलब कि ऐसा एक्सीडेंट ऐसा है जो बिना बताए कुछ अनप्लान, मतलब कुछ प्लान नहीं, ऐसे कुछ कुछ इवेंट हो गया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, और उसका रिजल्ट हुआ कि किसी को पर्सनल इंजरी हो गई, कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हो गया या कुछ इन्वायरमेंट को नुकसान हो गया। तो वो एक एक्सीडेंट है। एक्सीडेंट का और भी सारा है, आपको डिफिनेशन से आप सेम है, थोड़ा सा इधर उधर है। तो ये भी हम जानते हैं। वो भी इसमें क्या है, अनप्लान्ड एंड अनडिजरेबल इवेंट। कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसमें कुछ प्लान नहीं था, कुछ अनकंट्रोल था, जो कंट्रोल नहीं था, वो एक्सीडेंट हो, उसको हम लोग एक्सीडेंट 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 बोलते हैं। एक 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 एक्सीडेंट एन एन एक्सीडेंट एक्सीडेंट इज एन एन इंसीडेंट। हाँ, एक एक्सीडेंट इंसीडेंट हो सकता है, ठीक है? जो कुछ भी है, कुछ भी है, जैसे इलनेस हो गया, इल हेल्थ, या कुछ फैटलिटी भी एक एक्सीडेंट है, ठीक है? तो दूसरा आता है, हम जानते हैं कोई भी, आपको आजकल कोई भी वर्क का चालू चालू होने से पहले, आजकल ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो आजकल इंडिया में भी आपको सबसे पहले वर्क मेथड स्टेटमेंट मांगते हैं। वर्क मेथड स्टेटमेंट क्या है, कैसे कैसे बनाते हैं, क्या पहले तो हम जानते हैं क्या है। तो वर्क स्टेटमेंट क्या है, कोई भी काम चालू 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 होने से पहले आप कंट्रेक्टर को क्लाइंट को वर्क मेथड स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है। तो उसमें क्या रहता है, आपका जनरली जो भी वर्क प्रोसीजर उसमें कवर रहता है, सेफ मैनर्स और आपके रिक्वायर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड उसमें देना रहता है। अगर मैं आपको मेथड स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके ऊपर मैं आपके स्पेशली एक वीडियो बना के आपको मेरे चैनल पर अपलोड हम कुछ दिन बाद कर देंगे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है? उसका आपको आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बट कुछ टाइम लगेगा। दूसरा होता है, इसका यूज कैसे करते हैं वर्क मेथड, इसका यूज क्या है। तो यूज क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी वर्क वर्क एक्सिक्यूट करते हैं, तो उसमें हम मेथड स्टेटमेंट में सब कुछ लिख के दिया हुआ है कि हम लोग ये एक्टिविटी करने वाला है, ऐसा हमारा स्टैंडर्ड्स है, ये हम लोग एक्टिविटी की हमारा, तो उसमें उसको ऐसे जितना पर लिख के दिया है क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट आपने अगर अपना कमिटमेंट किया, सबमिट किया है, वो भी अप्रूवल डॉक्यूमेंट है, तो आपको लिख के देना पड़ता है। दूसरा, जेएसए क्या होता है और जेएसए का यूज क्या है, जो जैसे का फुल फॉर्म होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, तो हमको स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। जैसे क्या है, वॉच द जॉब बींग डन, आपको क्या जॉब करने वाले हो, उस जॉब में क्या 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 आने वाले, डिस्क्राइब द हजार्ड, आपका एक एक एक्टिविटी का आपको हजार्ड डिस्क्राइब करना है, उसमें आपको कंट्रोल मेजर्स क्या क्या आएगा, कंट्रोल मेजर्स आपको देखने का। और आप जब जॉब हो रहा है तो साइट पे जो भी हो रहा है आप काउंटर जाके चेक भी कर सकते हो मेजर्स को, आप फॉलो हमारी टीम कर रही है कि नहीं कर रही है। दूसरा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई इतना सारा आपने वर्क मेथड स्टेटमेंट सबमिट कर दिया, जैसे जैसे कर दिया, आपको इंटरव्यू पूछ सकता है कि आपको वर्क परमिट क्या होता है। तो वर्क आपको सबको पता है, वर्क परमिट एक लीगल लीगल डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट होता है, जो कोई भी काम काम करने के लिए हमको हमको वर्क परमिट लेने का जरूरी होता है। तो आप चाहे तो आप हर पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो जिन भाइयों को एक चाहिए था, मैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका ईमेल आईडी करो, मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। दूसरा, कन्फाइंड स्पेस सबको सबको पता है, कन होता है, मैं भी बता रहा हूँ। कन्फाइंड स्पेस ऐसी एक जगह है जहाँ पे आने जाने की बहुत ही कम जगह होती है, मतलब जाने का रास्ता है, ठीक है? बहुत ही कोई ऐसा जगह है
जो काम करने की जगह रही, और इसमें बहुत ही लिमिटेड, ये लिवर लिमिटेड लिमिटेड एक्सेस है, उसमें ऑक्सीजन डिफिशियंसी कम होती है, टॉक्सिक गैस भी उसमें हो सकता है, तो एक कन्फाइंड स्पेस है। तो आपको आपको दूसरा आपको इंटरवल ये भी पूछ सकता है, कन्फाइंड में क्या क्या कौन कौन सा परमिट कैसे यूज करना है। तो कन्फाइंड स्पेस में पहले आपको जाने के लिए आपको आपको वेंटिलेशन लगाना है, उसका गैस टेस्टिंग आपको आपको रिक्वायर्ड है, जिधर आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको वार्निंग साइन भी लगाना है। दूसरा वहाँ पे स्टैंड बाई आपको 10% पर पर्सन होना चाहिए, और आपको लॉक सीट के साथ में होना चाहिए, सफिशियंट लाइटिंग होने का। कन्फाइंड स्पेस में कभी भी आपको आपको 24 वोल्ट का ही आपको लाइट लाइट यूज करनी है, 110 वोल्ट का नहीं। और प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए कुछ भी कम्युनिकेशन के लिए आप वायर दे सकते हैं, बीसेल दे सकते हैं, मतलब जो स्टैंड बाई वो बीसेल मारेगा तो कुछ को उस दोनों को बीसेल, वो उसको प्रॉब्लम होगा तो बीसेल मारेगा या रस्से हिलाएगा, तो सब बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा, बट कम्युनिकेशन आपको देना है। आप कन्फाइंड स्पेस में इसमें आप काम करते हो तो आपको लेगआउट टैगआउट कुछ ऐसा मशीनरी है, तो आपको उसमें लेगआउट टैगआउट आपको आपको डालना है कुछ, आपको आपको अगर है, अगर कन्फाइंड स्पेस में है तो आपको लाइफ लाइन भी आपको इंस्टॉल करके करके देनी है। दूसरा, कन्फाइंड स्पेस में जो अटेंडेंट है उसका काम क्या है, आपके भी इंटरव्यू पूछ सकते हैं, कन्फाइंड स्पेस में अटेंडेंट उसका काम क्या है, कन्फाइंड स्पेस का जो भी अटेंडेंट होता है उसको क्या उसको उसके कन्फाइंड स्पेस के बारे में पूरा हजार्ड उसको पता होना चाहिए, उसके क्या गलत है क्या सही है उसको पता होना चाहिए, और उसमें जो भी आदमी आदमी जा रहा है उसका नाम उसको लिखने का, कब इन हुआ कब आउट हुआ और क्या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तुरंत है तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उसको बताना। तो कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हजार्ड हो सकता है, कन्फाइंड स्पेस में क्या 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 हजार्ड है, तो कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, कुछ टॉक्सिक गैस होता है, कुछ केमिकल कुछ फायर की संभावना हो सकती है, कुछ मटेरियल भी गिर सकता है, कुछ इलेक्ट्रिक यूज करें, इलेक्ट्रिक शॉक भी हो सकता है, से डस्ट है, कुछ साउंड है, हीटिंग्स भी है, ज़्यादा ठंडी भी लग सकता है, या आपको कुछ मूविंग पार्ट इक्विपमेंट आपको उससे भी चोट लग सकती है, तो एक कन्फाइंड स्पेस में हजार्ड से। दूसरा, कन्फाइंड स्पेस क्या 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 एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, कन्फाइंड स्पेस क्या 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 कंसिडर होता है, किसको कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं, तो पाइप हुआ, विसल हुआ, टैंक हुआ, बॉयलर हुआ, ट्यूब एरिया हुआ, सॉइल हुआ, ट्रेंचिंग और एक्सप्रेशन। अगर जो भी एक्सप्रेशन अगर 4 फीट अगर डेप्थ गए है उसको भी आप एक्सप्रेशन में आप कन्फाइंड स्पेस में कुछ स्लज फीट हुआ या डक हुआ, डक में आप कुछ काम कर रहे हो, वो भी एक कन्फाइंड स्पेस है। दूसरा, आपका जो जो कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट है उसका उसका ड्यूटी ड्यूटी क्या है, कन्फाइंड स्पेस एक एक रिस्पॉन्सिबल आदमी आदमी होना चाहिए, जो भी उसको काम करे उसको पता होना चाहिए, उसको वहाँ पे जो भी अपने उसको लॉग बुक दिया हो लॉग बुक प्रॉपर अपडेट करते रहना चाहिए, और जो भी अंदर में काम कर रहे हो कम्युनिकेशन आपको पता है बिसल दे सकते हैं, वैसा कम्युनिकेशन करके उसको कम्युनिकेशन करके देना, वहाँ पे कैसा काम है और उसको इंश्योर करने का है कि जो भी काम चल रहा है कन्फाइंड में पूरा सेफ वर्क वर्क एटमोसफेयर में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूसरा, कन्फाइंड स्पेस के अंदर में कोई भी अनवांटेड पर्सन को अंदर नहीं देना, कुछ भी अगर अलार्म अगर अगर इंडिकेशन इंडिकेशन हो रहा है तो उस केस में उसको रेस्क्यू रेस्क्यू टीम को और फायर सेफ्टी टीम को जो भी वहाँ पे नंबर डिस्प्ले डिस्प्ले किए होंगे उनको उनको इन्फॉर्म करना है और बताना है। तो अभी जानते हैं हजार्डस जॉब, अभी कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हजार्डस है, मतलब हजार्डियस जॉब कन्फाइंड स्पेस में हम लोग करते हैं, जैसे कि वेल्डिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, कुछ केमिकल क्लीनिंग करते हैं, कुछ गैस कटिंग करना होता है, कुछ मटेरियल का एरेक्शन भी करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हमको लगाने होते हैं। तो कॉम्पिटेंट पर्सन, आपको कौन सा कॉम्पिटेंट पर्सन है, कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन हो सकता है, ऐसा कुछ कुछ होता है कि बहुत सारा होता है, आप बोल रहे हो कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए, तो आखिर कॉम्पिटेंट पर्सन क्या है, हु इज द कॉम्पिटेंट पर्सन, आपसे इंटरव्यू भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तो कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब उसको बनने के लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा और स्पेसिफिक कार्य उसको समझाना, जैसे अभी अभी कन्फाइंड में काम करना था, हमने उसको 5 घंटे 6 घंटे का ट्रेनिंग दिया है, मतलब हमने उसको सेटिस्फाइड किया कि ट्रेनिंग अटेंड किया, ही इज द कॉम्पिटेंट पर्सन। अभी अभी आदमी हॉट वर्क का जो काम कर रहा है उसको हमने ट्रेनिंग दिया बताया उसको क्योंकि वो हॉट वर्क में कॉम्पिटेंट है, तो ऐसे हम कॉम्पिटेंट पर्सन है, आप क्लाइंट को हम कॉन्ट्रेक्टर सॉरी हम इंटरव्यूअर को हम बता सकते हैं, उसको अगर इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में, हिंदी में चाहे तो हिंदी में, ऐसा कुछ डिपेंड नहीं करता है। इंटरव्यूअर जिस लैंग्वेज में बात हो, आपका जो प्रिपेयर लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू को दे सकते हैं। नियर मिस क्या होता है, नियर मिस पोटेंशियल हाजिर, नियर मिस ऐसा है मतलब कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसमें कुछ
जैसे आपके बाजू से कुछ कुछ मटेरियल गिर रहा है, गिरते गिरते बच गए, आप बच गए, मटेरियल गिरा ठीक है, प्रॉब्लम आपको कुछ चोट न लगा, आप बच गया, बिल्कुल सेफ है, दिस इज यू कॉल्ड नियर मिस, ठीक है। अभी दूसरा है, अभी कौन नियर मिस को, नियर मिस कौन प्रिपेयर करेगा, हु मेक ए नियर एक्सीडेंट और नियर मिस रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करेगा। तो नियर मिस जो इधर के एरिया सुपरवाइजर होगा, और जो साइट का सेफ्टी आप सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव होगा, चाहे वो सेफ्टी ऑफिसर हो सेफ्टी सुपरवाइजर हो, उसको उसको एक्सीडेंट रिपोर्ट और नियर मिस का रिपोर्ट प्रिपेयर करके देना होगा। तो अभी एक्सीडेंट इंसिडेंट रिपोर्ट प्रिपेयर कर दिया, अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट किसे प्रिपेयर करके देना है। तो इंसिडेंट रिपोर्ट जो साइट पर आपका सेफ्टी जो सेफ्टी सुपरवाइजर है या सेफ्टी मैनेजर से जो कि जॉब या तो जो सब कंडक्टर हैं, जो भी हाई ऑफिसर डिपेंड करते हैं उनको, जो भी है उनको आपका जो भी टॉप मैनेजमेंट है सेफ्टी के या सेफ्टी ऑफिसर से, वो उनको ही सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाना होगा। दूसरा सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, उसमें क्या क्या हम लोग जनरली जनरली मेंशन रहता है क्या, जिससे मैं उसका रूट कॉज क्या होता है। जनरली दो ही रूट कॉज होते हैं, कंसेप्ट और अनसेप अनसेप कंडीशन। उसमें क्या 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 प्रिवेंटिव जिसने वो लिया नहीं था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, ठीक है, वो सारे चीज़ का डिस्कशन होता है उसमें, और क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये सारा चीज़ उसमें ब्यौरा रहता है। मैं एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को स्पेशली मैं एक आपको वीडियो वीडियो बना के अपने अपने यूट्यूब यूट्यूब सेफ्टी चैनल पे आपको मैं अब देने वाला, बट कुछ टाइम लगेगा। दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, आजकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत ही ज़रूरी है, जो साइट के ऊपर आपको रखना है इन्वायरमेंट को सेफ करने के लिए अलग अलग है। जैसे आपका बायोलॉजिकल वे के लिए आपको अलग अलग वेस्ट मैनेजमेंट आपको आपको करके देना है, कुछ फूड वेस्ट के लिए अलग, या कुछ पेपर प्लास्टिक का तो अलग, आपको वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाना होगा। तो उसको अगर इंटरव्यू पूछते हैं तो उसको डेफिनेशन का बता सकते हैं, कुछ और भी पूछे तो उसको बता सकते हैं। दूसरा एमएसडीएस क्या होता है, एमएसडीएस क्या होता है, मटेरियल सेफ्टी डाटा सेट। एक्चुअली ये क्या होता है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो एमएसडीएस में आपका मैनुफैक्चर मैनुफैक्चर देता है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस प्रोडक्ट एड्रेस क्या है, और कुछ केमिकल में साथ कुछ हादसा हो गया तो उसको किसको कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट नंबर होता है उसमें, हजार्ड क्या है इसमें, फर्स्ट कुछ किसी को टच में आया, कोई अगर ले लिया कुछ यूज़ में आ गया तो उसमें क्या फर्स्ट एड मेजर्स यूज करने का, अगर कुछ फायर्स हो गया तो उसमें फायर्स हो गया तो उसमें कौन सा फायर फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना, कौन सा पीपीई यूज करना, उससे क्या क्या हजार्ड से क्या क्या कंट्रोल से, ये सारी चीज़ें आपकी एमएसडीएस में लिखी हुई होती है। व्हाट इज द ना व्हाट वाज द आइसोटोप, आइसोटोप आइसोटोप मतलब आइसोटोप क्या है, जो हम रेडियोग्राफी करते हैं, रेडियोग्राफी में आपका जो भी रेडियोग्राफी उसको आइसोटोप और उनसे मिलता है सब्सटेंस, मतलब हेवी पार्टिकल होते हैं, एक अल्फा अल्फा और बीटा की हाई 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 एनर्जी के किरण होती है, जो जिससे हम लोग साइट के ऊपर में हाइड्रो टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग आजकल एक कॉमन वर्ड है व्हाट इन द आइसोटोप, ठीक है। तो आइसोटोप से हजार्ड क्या क्या है, इसमें हजार्ड्स क्या है, आपको रेडिएशन तो आपको आपको पता है, मतलब इससे आपको इसका मेजर्स क्या है, यह बहुत ही हजार्डस होता है, इसको आपको 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 लंग्स टिश्यू को डैमेज करते हैं, इसमें आपको फैटी लिवर में चांसेस है, कैंसर का रूप देख आपको कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज द रेडियो एक्टिविटी, मतलब आरटी जो हम बोलते हैं क्या है, तो रेडियो रेडियो एक्टिविटी क्या है, एक आपका एटमिक न्यूक्लियस है, जो जो अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स के किरण द्वारा प्रोसेस प्रोसेस होता है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई जे एक्स वाई और गामा किरण, मतलब अल्फा बीटा और गामा किरण से होता है। दूसरा इसका इसका मेजर्स क्या है, तो इसको हम नापते कैसे हैं, तो एक एक आपका माइक्रो सर्विट और मिली रेम में इसको हम यूनिट को मापते हैं रेडिएशन को, ठीक है। आपको रेडियोग्राफी वर्क चालू करने से पहले आपको क्या क्या कौन सा परमिट लेना चाहिए, क्या क्या आपको क्या 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 वार्निंग साइन लगाना चाहिए, कुछ भी आप अगर आप रेडियोग्राफी करने से पहले तो आपको आपको जो एरिया को कंट्रोल करने का, वो एरिया को बैरिकेड करना, और उसका जो बैरिकेड का कलर कोड होता है वो येल्लो और ब्लैक कलर का टेप से लगाया जाता है। वार्निंग साइन मिनिमम 3-4 जगह लगाया जाता है। दूसरा और एक अलग उसका, जैसे आप लोग देखे होंगे एम्बुलेंस में एक सायरन होती है, ऐसे ऐसे जहाँ पर रेडियोग्राफी करता हूँ वहाँ पर रेड और येल्लो कलर का फ्लैश फ्लैश लाइट उसमें लगाना अनिवार्य है, तभी आपको परमिट इशू करेंगे।
दूसरा आपको रेडियोग्राफिक करने टाइम पे आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आपको लेना चाहिए। पहले तो उसको आप सर्वे मीटर से सर्वे करते हैं कि जहाँ पे आप सोर्स रखे हैं, सोर्स से कितना दूरी तक आपका रेडिएशन आ रहा है, उतना दूरी आपको 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 बैरिकेड करके लेना है। येल्लो और ब्लैक कलर का टेप लगाना होगी चार जगह, ठीक है। और आपको लाइट भी लगानी है। दूसरा क्या होता है, व्हाट इज द कंट्रोल एरिया। कंट्रोल एरिया एरिया क्या होता है, मतलब वहाँ पे जो रेडिएशन है, मतलब वो रेडिएशन मोर देन 0.7 mm रिम पर आवर से कम होना चाहिए, मतलब वो एक कंट्रोल्ड एरिया है। उसमें आप देखो रेडियोग्राफर को तो जाना ही पड़ता है, जो आर्टिस्ट रेडियोग्राफर उनको जाना ही पड़ता है, बट उसके में एक लिमिट रहता है कितना दूर तक जा सकते हैं, उसको कैसे टच करना, कैसे हैंडल करना, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको एक रेडियोग्राफी सेफ्टी में आपको पूरी मैं वीडियो में थोड़ा आपको बताने वाला हूँ क्या क्या हजार से। दूसरा एक पास गीगर मीटर होता है। गीगर मीटर से हम मीटर से क्या करते हैं, जो रेडियोग्राफर होता है वो अपने पास रखता है, उसको उसको नापता है कि वो रेडिएशन का डोज कितना है, यहाँ तक कितना मिल रहा है, वहाँ तक ये भी सोचे हमारे यहाँ पे हम लोगों ने कर रहा है, तो अभी ये देखेगा कि यहाँ तक उसको कितना रेडिएशन आ रहा है, वो चेक करेगा, ठीक है। एक कंट्रोल एरिया मतलब इतना मेरे इतना मिल रहा है, एक कंट्रोल एरिया है, इसे जिधर हम नहीं जा सकते इधर हम सेफ हैं, जब हम डिस्कस कर रहे थे। एक फिल्म फिल्म बैच क्या होता है, फिल्म फिल्म बैच क्या होता है, जो रेडियोग्राफी होता है उसके हाथ में घड़ी के जैसा बाधा रहता है, और वो उसका एक साल में चेक होता है कि उस साल में कितना उसने डोज ले चुका है, अभी तक कितना उसने रेडिएशन लिया हुआ है। उसके लिए उसको मेडिकल हर ईयर मेडिकल भी करनी होती है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, व्हाट इज द ऑथराइज ऑफ एक्सपोज पर्सन। कोई भी आप चाहो तो फॉर्मल ट्रेनिंग करके आप रेडियोग्राफी का सोर्स आप नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको एक ऑथराइज पर्सन होता है, आपको BRC के तहत आपको सर्टिफिकेट लेना होता है, ठीक है। दूसरे का बात करते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन बास्केट। आप मैन बास्केट में काम कर रहे हो तो क्या क्या होना चाहिए, जो भी आपका मैन मैन बास्केट आप बना रहे हो उसका आपका थर्ड पार्टी होना चाहिए, डबल डबल गायरोप आपको आपको होना चाहिए, डैमेज फ्री लिफ्टिंग गियर, कुछ भी उसमें डैमेज फ्री लिफ्टिंग गियर नहीं होना चाहिए, उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी का टेस्ट होना चाहिए इसमें। और दूसरा साइकिल और करेक्ट करेक्ट पिन बोल के भी सिंपल तरीके से यूज करने का, और 100% सेफली यूज करने का, तो ये आपका रिक्वेस्ट। दूसरा आता है SW, क्या SW होता है, सेफ वर्किंग लोड की आप देख सकते हैं किधर भी डिस्प्ले किया जाता है SWL 10 टन, SWL 5, मतलब क्या होता है उस इक्विपमेंट का इतना तक अब यूज, जिससे ज़्यादा ज़्यादा जाओगे तो कुछ चांसेस खतरे के हो सकते हैं, जितना SWL लेके उसके नीचे ही हमको काम करने हैं। ड्रोवर आपको SWL के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दूसरा आपको सीलिंग कैसे चेक करना है। सीलिंग आपको एक तो हम प्रैक्टिकली बेसिस पे चेक करते हैं, अब दूसरा थर्ड पार्टी एजेंसी भी आके चेक करते हैं, अगर अगर आपके सीलिंग में कुछ क्रोजन्स हो गया तो आपको वो सीलिंग को नहीं यूज करना है, ठीक है। कुछ सीलिंग में टूट गए, कितना टूट गया वो भी आपको नहीं यूज करना है। अगर आपको सीलिंग को डायरेक्ट डायरेक्ट आपको हीट से भी डैमेज होता है, उसका जो आईज होता है आई भी अगर कुछ डैमेज है तो सीलिंग भी डैमेज है, तो हमको नहीं यूज करना है। मतलब कैसा है, मिनिमम आपका अगर रेंडमली अगर एक रूम में अगर कुछ थोड़ा सा है तो आप उसको नहीं यूज कर सकते, एक बार थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करके चेक करो, उसके बाद ही आप यूज कर सकते हो। दूसरा उसका उसका हर ईयर में कलर कोड होता है, बहुत सारी कंपनियां अपने हिसाब से कलर कोड डिसाइड करती, कोई 3 मंथ पे कलर कोडिंग करती, कोई 1 ईयर पर करती, कोई 6 मंथ पर करती, तो वो डिपेंड ऑन इंडस्ट्री और डिपेंड ऑन फैक्ट्री कैसा डिसीजन लिया है, अपने हिसाब से वो लोग कलर कोडिंग चेंज करते रहते। दूसरा क्या होता है, अभी क्रेन से आप लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपको क्रेन से लिफ्टिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। दूसरा आपका क्रेन से लिफ्टिंग कर रहे हो तो उसका लेवल बहुत ज़रूरी है, जो वुडन पैड आपको लगाना है, आउट रिगर फुल एक्सटेंड करना है टायर के ऊपर, कभी भी आपको लिफ्टिंग नहीं करना है। आपको आपको जो ऑपरेटर्स होंगे वो सेटिस्फाइड ऑपरेटर होना चाहिए, रिगर भी होना चाहिए, उसका SLI काम करता होना चाहिए, और कॉम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए। अभी बताया था पिछले आपको कुछ देर पहले, कॉम्पिटेंट पर्सन किसे बोलते हैं, उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, जो भी क्रेन है उसका वैलिड इंस्पेक्शन स्टिकर होना चाहिए, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो क्या उठाने वाला है, उसका सेफ वर्किंग लिमिट भी क्रेन का चेक होने का, सेफ्टी डिवाइस प्रॉपर, और कोई भी सेफ्टी डिवाइस को बाईपास नहीं करना चाहिए, जो भी स्विंग एरिया को बैरिकेड
बैरिकेड करना चाहिए, जो भी टॉप टूल्स यूज करेंगे कोई भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर विंड स्पीड 32 KBKM से ज़्यादा है उस कंडीशन में आप लिफ्टिंग नहीं कर सकते। कुछ भी आप लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपका अप्रूव लिफ्टिंग प्लान साइट के ऊपर होना चाहिए। कुछ भी आपका जो जो और दूसरा, आप कभी भी लिफ्टिंग करने के टाइम पे कभी भी ऑपरेटर और रिगर के बीच में बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए। और कोई भी लिफ्टिंग लिफ्टिंग चालू करने से पहले एक बार छोटा सा टूल बार टक कर लो। और दूसरा, बोथ साइड आपको आपको टैगलाइन भी होना जरूरी है। नेक्स्ट है वर्किंग रेडियस। रेडियस रेडियस क्या होता है? तो रेडियस हम उसको बोलते हैं जो क्रेन का बूम और जो जो मटेरियल जहाँ पे लिफ्ट कर रहे उसकी बीच की दूरी को रेडियस करते हैं। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रेन क्रेन रिलेटेड लिफ्टिंग जो भी क्वेश्चन से मैं वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा कि रेडियस कैसे कैसे निकालते हैं। लिफ्टिंग प्लान क्या होता है? लिफ्टिंग प्लान जैसे कि कुछ भी आप लिफ्टिंग करने के लिए आप जा रहे हो तो उसमें आपको हर चीज़ का उसका डिटेल्स दिया रहता है कि वो लिफ्टिंग प्लान में ये मटेरियल का वेट कितना है, कौन सा प्रोसीजर से करना है, कितना उसमें कितना कौन सा कितना सीलिंग लगाना है, कितना एंगल लगाना है, कितना क्रेन लगाना है, उसमें कितना सेफ्टी फैक्टर आएगा, कौन सा साइज का डी साइकिल चाहिए, कितना साइज का बो साइकिल चाहिए, कितने साइज का सीलिंग चाहिए, कितने साइकिल का वेबिंग बेल्ट चाहिए, वो सारा प्लान में लिखा होता है और विथ अप्रूवल्स होता है। दूसरा होता है दूसरा एक्सीवेशन। एक्सीवेशन क्या है? जो हम लोग के हाथ के द्वारा मतलब धरती को सॉरी पृथ्वी मतलब मिट्टी को हम खोद कर निकाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सीवेशन। ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच मतलब बिल्कुल भी उसका चौड़ाई बहुत कम रहेगा, चौड़ाई बहुत कम रहेगा, डेप्थ बहुत ज़्यादा रहेगा, उसको हम लोग ट्रेंच बोलते हैं। ट्रेंच में अधिकतर ज़्यादा ट्रेंच है तो हम कंसिडरिंग करते हैं। दूसरा दूसरा सोरिंग क्या होता है? एक आपका एक 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 सोरिंग होता है जब जो हम लोग जब एक्सप्रेशन का आपको डीप ट्रेंच का एक्सप्रेशन करना है तो ज़्यादा जो तो उसके लिए सोरिंग करना पड़ता है क्योंकि चांस रहता है कि मिट्टी मिट्टी कोलेप्स ना हो जाए। तो ये एक्सप्रेशन का है। दूसरा आपको मैं एक्सप्रेशन के ऊपर भी फुल फुल वीडियो आपको बना के मैं देने वाला, आप उसके साथ उसके पूरा समझ सकते हैं। दूसरा आता है डिफरेंट डिफरेंट बिटवीन फ्लैशबैक अरेस्टर एंड चेक वाल्व। फ्लैशबैक अरेस्टर 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 क्या है और चेक वाल क्या है, इसका मैं एक आपको डिटेल वीडियो वीडियो बना के, बट आप यहाँ पे समझ सकते हैं। फ्लैशबैक अरेस्टर क्या होता है? जो वहाँ पे जहाँ पे गैस जो लगता है, जो गैस कटिंग सेट होता है वहाँ पे हमको लगाना होता है एस्टीन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लब। जो आपका सेफ चेक वाल्व क्या करता है? वो ओनली एक ही डायरेक्शन में फ्लो को पास करता है, लेकिन फ्लैशबैक अरेस्टर क्या होता है? वो पास भी करता है और उधर से बैक फायर आया तो वो बैक फायर को टॉर्च मतलब देखो, एक तो सपोज मानिए यहाँ पे गैस सिलेंडर हो गया, यहाँ पे वायर हो गया, पाइप हो गया, और यहाँ पे आदमी ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने सेफ्टी वाल्व लगाया तो ये केवल पास होगा, इधर से कुछ फायर अगर रिलीज हुआ तो ये उधर जाके फायर पकड़ सकते हैं, वो सेफ्टी वाल्व सेफ से जो चेक वाल्व है। अगर आपने अगर फ्लैश फ्लैश अगर आपने अगर आपने फ्लैशबैक अरेस्टर यहाँ पे लगा फ्लैशबैक अरेस्टर लगाया हुआ है तो ये गैस यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहीं पे गैस को ब्लॉक कर देगा, अंदर नहीं जाने देगा, तो फायर के चांसेस कम रहती है। तो आई होप भाई आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, नेक्स्ट का जो पार्ट है आपको पार्ट 2 वीडियो में मिलेगा। तो भाई कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।